दोस्तों, अगर आप सीरियल देखने के दीवाने हैं तो आपने साल 2013 में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ शो रंग रसिया तो जरूर देखा होगा, जो कि पारो और रुद्र रणावत की प्रेम कथा पर आधारित सीरियल था, जिनकी लव केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया ही था। साथ ही साथ सीरियल में नजर आए सभी कलाकारों के अभिनय को भी काफी सराहा गया था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ना तो सीरियल के बारे में बताने वाले हैं, ना ही इसके कलाकारों के बारे में, बल्कि आज तो हम सीरियल में नजर आए कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाने वाले हैं, जो बेहद लविंग एंड केयरिंग पार्टनर हैं, जिनके बीच के अटूट रिश्ते और प्यार को देखकर आप भी उनकी जोड़ी के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए रूबरू होते हैं इनके रियल लाइफ पार्टनर से। नंबर एक, सादिया सिद्दीकी। सीरियल में ठकुराइन माला का किरदार तो आपको याद ही होगा, जो कि एक नकारात्मक किरदार था, जिसे खूबसूरती से पर्दे पर पेश करते हुए नजर आई थी अभिनेत्री सादिया सिद्दीकी। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अदाकारा के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो इनके पति का नाम सैयद सुल्तान है, जिनसे इन्होंने साल 2015 में लव मैरिज की थी और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं और खुश हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पति प्रोफेशन से एक अभिनेता हैं, जो कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं। नंबर दो, तरुण खन्ना। सीरियल में ठाकुर परम का किरदार निभाने वाले अभिनेता कोई और नहीं बल्कि तरुण खन्ना थे, जिन्होंने इस किरदार को निभाकर दर्शकों द्वारा खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं अगर बात करें अभिनेता तरुण खन्ना की रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो इनकी पार्टनर का नाम स्मृति मोहन है, जिनसे इन्होंने साल 2012 में लव मैरिज की थी और आज शादी के 8 साल बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनकी अभी हाल ही में शादी हुई हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी वाइफ प्रोफेशन से इन्हीं की तरह एक्ट्रेस हैं, जिन्हें घर की लक्ष्मी बेटिया सीरियल में काम करने के लिए जाना जाता है। नंबर तीन, सनाया ईरानी। सीरियल में लीड एक्टर पारो का किरदार अभिनेत्री सनाया ईरानी ने निभाया था, जो रुद्र प्रताप रणावत से बहुत प्यार करती थी। इस किरदार को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था और काफी फेमस हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो वो अभिनेता मोहित सहगल हैं, जो पेशे से एक अभिनेता हैं और इनके साथ मिले जब हम तुम शो में काम कर चुके हैं, जिन्हें लंबे समय तक डेट करने के बाद साल 2016 में इन्होंने अपना हमसफर चुना और उनसे शादी की। आपको बता दें कि ये दोनों अपने करियर की शुरुआत से ही एक साथ नजर आ रहे हैं, जिनके बीच इतना प्यार है कि आज तक इन दोनों का नाम किसी और के साथ नहीं जुड़ पाया है। नंबर चार, अंकिता मयंक। जी हाँ, सीरियल में अभिनेत्री अंकिता मयंक भी नजर आई थी, जिन्होंने लैला की भूमिका को पर्दे पर पेश करके सभी लोगों को अपना मुरीद कर दिया था। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेत्री के पार्टनर के बारे में, तो इनके पार्टनर का नाम है मयंक शर्मा, जो पेशे से एक अभिनेता हैं, जिनसे इन्होंने साल 2015 में लव मैरिज की थी और इसी के चलते इन दोनों की शादी को आज महज 5 साल हो गए हैं, जिनके बीच का प्यार बीते 5 सालों में लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है, जहाँ ये दोनों हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। नंबर पाँच, आशीष शर्मा। अगर आप सभी ने रंग रसिया सीरियल देखा होगा, तो आप रुद्र प्रताप राणावत के किरदार से तो अच्छे से परिचित होंगे, जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर होने के साथ साथ पार्वती के पति का किरदार था, जिसे ये पर्दे पर खूबसूरती से पेश करते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार कलाकार की रियल लाइफ पार्टनर की, तो उनका नाम अर्चना ताइडे है, जो पेशे से एक अभिनेत्री है, जिन्हें आपने कबूल है, संतोषी माँ और माता पिता के चरणों में स्वर्ग है जैसे शोज में देखा होगा। बता दें कि लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2013 में एक दूसरे से शादी करके घर बसा लिया था, जहां आज इन दोनों की शादी को 7 साल हो चुके हैं, पर आज भी इन दोनों के बीच पहले जैसा ही प्यार बरकरार है, जो एक पति पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं, जो अक्सर काफी ज्यादा मस्ती करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सीरियल में सबसे बेस्ट अभिनय किसका लगा था? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।